मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में और गुजरांवाला शहर में, और यहाँ पे हम प्रेसबिटेरियन चर्च में मौजूद हैं जहाँ पे स्पेशल मीटिंग ऑफ द असेंबली जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। और ये सारी मीटिंग करने का जो मकसद है वो ये है कि प्रेसबिटेरियन चर्च का जो नया मॉडरेटर है उसका इंतखाब किया जा सके। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं प्रेसबिटेरियन चर्च के। ऑल ओवर द पाकिस्तान से जो चर्च लीडरान हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, चर्चिज़ के जो बिशप्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि यहाँ पे आज नए मॉडरेटर का जो इंतखाब है वो इलेक्शन के ज़रिया से उसका चुनाव किया जा सके। तो आए नाज़रीन, हम उन सब से बात करते हैं जिन्होंने आज इस मीटिंग में एक तो पार्टिसिपेंट किया और नए मॉडरेटर के लिए जिन लोगों ने इलेक्शन वोट किया है। आए नाज़रीन, हम उन तमाम आए हुए मेहमानों से बात करें और उनसे पूछते हैं कि आज जब नए मॉडरेटर का जो है वो इंतखाब किया गया तो क्या समझते हैं कि हमारे लिए और प्रेसबिटेरियन चर्च के लिए कितना खुश आइंद साबित हो सकेगा। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसबिटेरियन चर्च के नौ मुंतखब मॉडरेटर आरिफ सराज साहब, और हम उनसे जानेंगे कि आज जब उनको यहाँ पे इलेक्शन के ज़रिए से मुंतखब किया गया प्रेसबिटेरियन चर्च के नए मॉडरेटर के तौर पर, तो सर आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो जिम्मेदारी है आप इसको निभाने के लिए किस तौर से तैयार हैं, और ये जो इलेक्शन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। खुदा यूसुफ मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की ये स्पेशल जनरल असम्बली की मीटिंग थी जिसमें मुझे मुतफिका तौर पर मॉडरेटर प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया गया। तो मैं अपने पूरे चर्च का, सारी इंतजामिया का, सारे मेम्बरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस मैं 6 साल पहले भी ये जिम्मेदारी निभा चुका हूँ, लेकिन अब थोड़े से हालात मुश्किल हैं, तो कुछ क्योंकि हमारे कुछ दोस्त साथी नाराज़ हैं, तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी, जिम्मेदारी ये होगी कि मैं उनको वापस अपने चर्च में लाऊं, ताकि हम जो हमारे बहन भाई हमसे नाराज़ हैं हम उन्हें वापस इस चर्च में लाएं, ताकि चर्च में यगानगत हो, इतिहाद हो, मेल मिलाप हो। तो ये मेरी सबसे बड़ी तरजीह होगी। सर, और कोई मैसेज आप देना चाहें आज की मीटिंग के हवाले से खास करके? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हर शख्स कमज़ोर होता है, कोई कामल नहीं है, मैं भी कमज़ोर तरीन शख्स हूँ, और आप सब लोगों की दुआओं का मुतमनी हूँ कि आप लोग मेरी दुआ करें, ताकि मैं प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा चर्च है, बेशक इसमें अब इख्तलाफात हैं, कुछ लोग हमसे नाराज़ हैं, हम उनको भी वापस ला सके, और मैं ये अकेला काम नहीं कर सकता, आप सब से दरख्वास्त है कि आप मेरी दुआ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, गॉड ब्लेस यू सर। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं पादरी डॉक्टर मजीद एबल साहब, और सबसे पहले सर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज आपने अपनी ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो निभाया, और ख़ास करके पूरी दुनिया ये पैगाम देखना चाहती है इस प्लेटफॉर्म से प्रेसबिटेरियन चर्च के हवाले से कि आपने इस इलेक्शन को करवाया, और किसी तरह की कोई जो है वो हमने ऐसी हलचल नहीं देखी, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं देखा, और हर एक चीज़ जो है वो बड़े खुश असलूबी से जो है वो सर अंजाम पा सकी। आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? आज का दिन जो ख़ास तौर पर ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग, जो प्रेसबिटेरियन चर्च बड़ा चर्च है तो इसके लिए बहुत से लोग गलत फहमियाँ बहुत फैलाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो लोगों का ख्याल ये था कि शायद यहाँ पे इख्तदार की भूख है, इख्तदार मुंतकिल करना नहीं चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तो पहले भी मुंतकिल होता रहा है, लेकिन पूरे तमाद मजबूत मच्योर क़यादत का चुना जाना बहुत ज़रूरी है, और आज आपने देखा है। हम आपको नहीं बताएंगे आपने क्या कहना, आपने अपनी आँखों देखा हाल बताना है कि क्या प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो रेकग्नाइज फेसेस हैं वो यहाँ पे थे या नहीं थे। तो ये है प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, और हमारे नए मॉडरेटर रेवरेंड आरिफ सराज जो आज यूनानिमसली मुंतखब हुए हैं, और उनके साथ वाइस मॉडरेटर एल्डर लूकस जावेद हमीद हैं, और उनकी सारी कैबिनेट है। हम ये तहिया करते हैं कि मिलजुल कर हम अपने चर्च को ना सिर्फ मजबूत करेंगे, बल्कि जो हमें ऐसे लोगों के एलिमेंट्स का पता होगा जो ज़रूरी हैं चर्च के लिए और नाराज़ हैं, जैसे मॉडरेटर साहब ने कहा है कि हम उनके पास जाएंगे, और हम दावत देते हैं सबको कि जो लोग गलत फहमियाँ फैला रहे थे कि ये शायद कोई इधर सुलह चाहता नहीं है, आज खुली दावत है प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि जो भी चर्च के साथ मिलकर चलना चाहता है,
सुलह सफाई चाहते हैं, आप आइए, हम आपसे बातचीत करेंगे, हमें बुलाएं, हम आपके पास आ जाएंगे। सर आप ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को, पिछले दिनों में जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें जो है वो गर्दिश करती रहीं, और अभी आपने भी जिक्र किया 9 मुंतखब जो हमारे मॉडरेटर साहब हैं अरब सराज साहब, उन्होंने भी ये कहा और बहुत सारे लोगों ने भी देखा, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही थी वो किस तौर से सच्ची हैं और किस तौर से झूठी हैं। सोशल मीडिया यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है, बिल्कुल ऐसी है। और कुछ लोग जो हैं वो मॉडरेटर या अहदेदार हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे, और इसको इस्तेमाल करके तो वो लेवरेज लेना चाहते हैं, लेकिन ये है तरीकाकार, ये इस तरह से इलेक्शन होता है और इतना बड़ा ज़िम्मेदार लोगों का इजलास है जो पूरे मुल्क से नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जितने हमारे अदारे हैं, कोई अंडरग्राउंड अदारा कोई भी नहीं था, सब हमारे अदारे जो कि एग्जिस्ट करते हैं आपने देखा, उनके नुमाइंदे प्रॉपर अदारों के प्रॉपर नुमाइंदे यहाँ पे थे। तो ये चर्च है, बाकी सोशल मीडिया वाला जो चर्च है हम उनको भी मशवरा देंगे कि अब वो ऐसी कमज़ोर जो एफर्ट्स हैं, हरकतें हैं, अपने साथ टाइटल जोड़े रखने की ना करें, चर्च मौजूद है, आइए आप मिलजुल कर काम करें, अगर खुदा की तरफ से आपके लिए लिखा है तो खुदा आपको मौका भी देगा, और बहुत से लोग हैं जिनको मौका मिलता भी है तो वो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज इस तरह सारे हाउस ने दुआएं दी हैं हमारी नए क़यादत को, और मैं पूरा यकीन है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जो अरसा दराज से कायम है मजबूती से आगे बढ़ेगा, और ये जो चहमगोइयां हैं इनका कला कामा करेगा। जी बहुत शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस मॉडरेटर जनाब लूकस जावेद साहब, और हम उनसे पूछेंगे कि आज की जो मीटिंग है उसके बारे में वो हमारे नाज़रीन को बताएं, और ख़ास करके जो जिम्मेदारी आज उनको सौंपी गई है उसके हवाले से भी वो थोड़ी सी जो ब्रीफिंग है वो ज़रूर हमारे नाज़रीन को दें। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं PCP के हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूँ। मुझे ये सेकेंड टर्म दी गई है, इससे पहले भी मैं 3 साल वाइस मॉडरेटर रहा हूँ जनरल असम्बली PCP का। तो हमने बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जो ग्रुप है, जो आपने देखा, बड़े अच्छे तरीके से काम किया है, और कोशिश की है कि जो लोग हमारे ग्रुप से निकल गए हैं और अपने कुछ वजूहात की बुना पर, उनको हम दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक मसीही एजेंडा भी है कि सब लोगों को शिगिर्द बनाओ, उन्हें साथ लेकर चलो। तो हम चाहते हैं कि हम सब भाई जो है मिलकर PCP में इकट्ठे होकर एक ऐसा काम करें जो एक मिसाली हो, जिसमें हमारा मजहब की भी बेहतरी हो, हमारी कलीसिया की भी बेहतरी हो। तो इसको हम इस एजेंडे को और इस एम को लेकर अगर चलना चाहते हैं, तो आज की जो मीटिंग के हवाले आपने बताया तो ये बड़ी अच्छी पीसफुल मीटिंग हुई है, और ये जितने भी हमारे मॉडरेटर्स इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने तो बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ी वफादारी का सबूत दिया। तो मैं भी आज ऑफिस से छुट्टी करके आया था इसी काम के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चर्च में जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे चर्च तबाही की तरफ जा रहा था या खराबी की तरफ जा रहा था, उसकी करेक्शन कर सके, तो ये उसका पहला कदम है। बिल्कुल ऐसे ही जी। सर हमें ये भी आप बताएं कि ये जिम्मेदारी, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि काफ़ी बड़ी है, तो भी आप क्या सोचते हैं कि जब आपको यहाँ पे इलेक्ट किया गया, आपको चुना गया, और लोगों की एक बड़ी जो कसीर तादाद हमने यहाँ पे देखी, आप हमारे नाज़रीन को और प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो मेम्बरान हैं, जो यहाँ पे तो मौजूद नहीं है लेकिन आम जो कलीसिया है, उनको कोई मैसेज इस मीटिंग के हवाले से देना चाहें? जो यहाँ पर आज लोग मौजूद थे उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है ताकि हम फर्दर जो है उनके साथ मिलकर चल सकें, और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारी कलीसिया के लोग हैं जो सुन रहे हैं या ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम उनके साथ हैं, उनको जहाँ कहीं भी चर्च के हवाले से या किसी और हवाले से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए हम उनके साथ हैं, चाहे वो, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर कलीसियों में लोगों को बाजू का जॉब्स का मसला होता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, नौजवानों के लिए भी, क्योंकि सिर्फ चर्च की खिदमत का ये भी हमारा हिस्सा है कि हम अपने नौजवान बच्चियों और जो बच्चे हैं जो तलीम याफ्ता हैं, जहाँ कहीं भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हम उनके लिए काम करें। तो आप समझते हैं कि ये जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जी जी, आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं इसके लिए, मैं जो जिम्मेदारी मुझे
फर्दर 3 साल के लिए दी गई है, मैं अपनी कलीसिया की पीसीपी चर्च की खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ कहीं भी हमारी उनको ज़रूरत पड़ती है, हम हर वक्त उनके लिए वी ऑलवेज रेडी टू सर्व देम। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ पादरी अफजल मसीह मौजूद हैं और हम उनसे भी जानेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से और उनसे उनके ख्यालात के बारे में पूछेंगे कि वो इस प्रोग्राम को किस तौर से लेते हैं जो कि आज प्रेस्बिटेरियन चर्च के ख़ास एक जो है वो डेजिग्नेशन के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, यहाँ पे नए मॉडरेटर का जो है वो इंतखाब किया गया। तो सर, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का बेहद मशकूर हूँ। इसके बाद हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस जो न्यूली इलेक्टेड हमारे मॉडरेटर आली जनाब रेवरेंड आरम सी स्टार साहब हैं और एल्डर जावेद साहब जो वाइस मॉडरेटर साहब हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि पहले भी जैसे रेवरेंड आरम सी स्टार साहब की क्यादत में प्रेस्बिटेरियन चर्च ने तरक्की की है और हमारा ये ईमान है कि अब भी उनकी क्यादत में प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वो तरक्की करेगा, यूनाइट होगा और इसी तरह खुदावंद जो है प्रेस्बिटेरियन चर्च को तरक्की देता जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी, अभी हमारे साथ एक पादरी साहब मौजूद हैं, पादरी इमैनुअल, और वो भी प्रेस्बिटेरियन चर्च के पादरी हैं और हम उनसे भी आज के प्रोग्राम के बारे में पूछेंगे। और सर, एक तो आप हमें ये बताएं कि आप किस जगह से आए हैं इस प्रोग्राम में और हमारे नाज़रीन को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और जो भी आपके दिल में है, क्योंकि आज नए मॉडरेटर का इंतखाब किया गया, आप क्या समझते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च और पाकिस्तान के लिए किस तौर से खुश आइंद साबित हो सकता है? थैंक यू सो मच। मेरा नाम पादरी इमैनुअल नईम और मैं गुंदलावाला प्रेस्बिटेरियन से मेरा तअल्लुक है और अभी चंदा किला में क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का दिन बहुत खुशाइंद है, बल्कि हमारी चर्च ऑफ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम आज दिन है, क्योंकि आज के दिन में हमारे बुजुर्ग पादरी आरव सराज साहब का चुनाव होना, उनका एज आ मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान चुनाव होना एक बहुत खुशाइंद बात है और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने पहले एक अच्छा टेन्योर गुजारा, उसी तरह अब वो चर्च की भलाई, बेहतरी और इसकी कामयाबी और बहुत सारी नई ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से हमारा जो चर्च है वो बहुत तरक्की करेगा। और हमारी नेक तमन्नाएं हमारे चर्च के साथ और वाइस मॉडरेटर और मॉडरेटर के साथ साहब के साथ हैं कि वो खूब मेहनत करे, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ एक बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, मॉडरेटर शहजादा अकरम साहब, और आज जो यहाँ पे इलेक्शन हुए और जो मुंतखब मॉडरेटर का यहाँ पे इंतखाब किया गया वो उस जूरी में शामिल थे। और सर, आपने इस जो है वो जिम्मेदारी को निभाया, आपको पादरी मजीद एबल साहब ने ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग जो है वो नाम जो है वो सिलेक्ट करें ताकि प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो लोग हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च की जो कलीसिया है, उनके सामने नए मॉडरेटर का जो है वो ऐलान किया जा सके। तो आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम पादरी शहजादा खुरम है और मैं प्रिंस ऑफ पीस प्रेस्बिटेरियन चर्च यहानाबाद में खिदमत कर रहा हूं। आज प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम दिन था कि हमारा एक स्पेशल अजलास हुआ जिसमें नई लीडरशिप का चुना जाना था, लेकिन इससे पेशतर कि हम नई लीडरशिप को का चुनाव करते, हम रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब के, जिन्होंने 6 साल प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की खिदमत की, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने तमाम कलीसियाओं को इकट्ठा रखा और कोशिश की कि वो इनकी मदद कर सकें। उन्होंने मेडिकल में, एजुकेशन में, पास्टर हाउस पासवानों के बनाने में, चर्चेज बनाने में जो है वो अनथक मेहनत की है और उन्होंने हर फील्ड में कोशिश की कि पासवानों की, उनकी कलीसियाओं की मदद की जाए। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने कि अब वो लीडरशिप को ट्रांसफ़र करते, और आप जानते हैं कि लीडरशिप को ट्रांसफ़र करना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो आज बड़ी पीसफुली अंदाज में उन्होंने ये निभाया। लीडरशिप की ये क्वालिटी है कि आप अपने ओहदे को पीसफुली किसी और के सपुर्द करें ताकि आने वाला सक्सेसर जो है वो आपके चलाए हुए काम को और ज़्यादा आगे लेके चले। हम रेवरेंड आरफ सराज साहब के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो एक एक्सपीरियंस पास्टर हैं और उन्होंने एक तवील अरसा तक पासवानी खिदमत की है, फिर वो 2010 से 2016 तक मॉडरेटर रहे और उन्होंने अपनी मॉडरेटरशिप में बहुत ही नायाब काम किए। हम उनकी
सबका मॉडरेटरशिप के लिए और लीडरशिप के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अभी जब दोबारा उन्हें मौका मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि वो हिकमत के साथ, दनाई के साथ, जैसे कि वो एक तजर्बा कार पासवान है, एक तजर्बा कार मॉडरेटर हैं, ऐसा तौर पर प्रेस्टीन चर्च ऑफ पाकिस्तान की यूनिटी, तरक्की और कामरानी के लिए काम करेंगे और अदारों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उनकी लीडरशिप में हमने देखा है डॉक्टर मजीद अवल साहब की कि वो अदारों को भी साथ लेके चलते थे। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ जो एल्डर जवेद लुकस हमीद साहब हैं, जो वाइस मॉडरेटर हैं, वो तमाम लिटिगेशन के मामलात को बड़े अहसन तरीके से डील कर रहे हैं। और एल्डर जवेद हमीद को खुदावंद ने बड़ी सरफरादी दी है और वो एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर में आईटी के इंचार्ज हैं, वो गैजेटेड ऑफिसर भी हैं। और मसीह कौम का ऐसी जगहों पर होना जो है, ये एक बहुत बड़ी गवाही है। और हम उम्मीद करते हैं कि एल्डर लुकस जवेद, जो इस टीम के एक खास मेंबर हैं और वाइस मॉडरेटर हैं, वो भी इस टीम को लेकर आगे चलेंगे, इस काम को, इस बीड़े को अच्छे तौर पर निभाएंगे। और डॉक्टर मजीद अवल साहब की खिदमत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो एक और जिम्मेदारी पर आए हैं। उन्होंने एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का जो है वो अहदा संभाला है और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी जो है वो एक अहम सीट है पीसीपी में। और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी खिदमत और काम को और बेहतर अंदाज में करेंगे। गॉड ब्लेस हिम। सर, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑल ओवर द पाकिस्तान, यानी कि काफ़ी शहरों से जो लोग हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के, वो यहाँ पे हमें नज़र आए, तो भी आप इस बात को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे कि कोई ऐसी यहाँ पे ओपोजिशन या कोई ऐसा जो फेवरेटिज्म है वो हमें नज़र नहीं आ रही, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि जो मुखालफीन हैं या जो लोग ऐसे सोशल मीडिया पे जो खबरें डाल रहे हैं, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। बात यह है कि जहाँ पर जमहूरियत है, आपको पता है डिफरेंट ओपिनियन करने का हक मौजूद है, और जमहूरी निज़ाम में हम देखते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं, जहरी बात है कि गर्मजोशी होती है, जो वोटर्स होते हैं उन्होंने अलग अलग कैंडिडेट्स का इंतखाब किया होता है। लेकिन यहाँ पर खुदा का शुक्र है कि हमने देखा कि यूनानिमसली जो है वो हमने मॉडरेटर और वाइस मॉडरेटर का इंतखाब किया है, और ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है इस वक्त उसमें ग्रुप्स मौजूद हैं, और जैसे कि पादरी आरिफ सराज साहब ने कहा है कि हम उन लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि ये एक मदर चर्च है, इसका यूनाइट होना और इसका साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी बात है। हैं ग्रुप्स हमारे दरमियान, लेकिन वो मामला सॉल्व हो सकते हैं और खुदावंद के फजल से मुस्तकबिल में वो मामला भी सॉल्व होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स में लोग हैं जो प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को लीज करने की कोशिश करते हैं और नजायज़ तौर पे उसे बेचने की कोशिश करते हैं। उनके साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, मेरिट पर उनके साथ जो है वो डिस्कशन होगी, क्योंकि ये नहीं कि प्रॉपर्टी बेचकर कोई चले जाए और जिम्मेदारी किसी और पे डाल ली जाए। अब लोगों ने करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी के पकड़े हुए हैं, अब ये तो नहीं कि ये करोड़ों रुपये पार्टियों को देंगे और फिर सुलह होगी। जिन लोगों ने नजायज़ तौर पर प्रेस्टीन चर्च पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को लीज़ किया या बेचा है, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। और अगर वो अपने गुनाह को छोड़कर तौबा करके और जिन लोगों के साथ उन्होंने सौदे किए हैं उनको वापस पैसे करें और आकर चर्च को ज्वाइन करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो ये है कि हम मिशन की प्रॉपर्टीज़ को बेचें, लीज करें। तो उन्हें हम दुआ करते हैं खुदावंद उनके अंदर ऐसी स्पिरिट पैदा करे कि वो इस बात को छोड़ें, अपने जो गलत राहों पर चल रहे हैं। और मिशन की प्रॉपर्टीज़ तो देखें, ये तो सरमाया है, एक बहुत बड़ी लेगेसी है। और आज जहाँ भी मिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो करोड़ों रुपए की हैं, शहरों में, देहातों में, और उनको डेवलप करने के लिए हमें सोचना चाहिए, ना कि उन्हें मकाराना तरीके से बेचकर चर्च को नुकसान पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।